इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस द फिल्म इज़ रिलीजिंग, सो ये भी बहुत अच्छी बात है। और फिल्म के बारे में जो भी चीज़ दिखाई गई है 100% लाइक सच है, हमारे देश में क्या होता है, कैसा होता है और क्या क्या बुरी चीज़ें हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं, एकदम सही बताया गया इस फिल्म में। इन दिनों पर्सनली मैं तो आई एम डूइंग अ टीवी शो कॉल्ड रूप ऑन कलर्स एंड इलेक्शन चल रहे थे, आई एम गोइंग टू माय होम टाउन धर्मशाला फॉर वोटिंग, 19th को वोट है वहाँ पे, सो आई विल बी गोइंग देयर। और साथ साथ में MTV पे मेरा शो आता है बॉक्स क्रिकेट लीग रियलिटी शो, वो चल रहा है जी। प्रोमो बहुत ही अच्छा है, गैवी चहल अच्छे से छा गए हैं एंड जितना भी प्रोमो में दिखाई दे रहा है इट्स बीन शॉट वेरी ब्यूटिफुली, ऑल द एक्टर्स हैव परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है एंड बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे कंट्री के जिसको ये फिल्म हिट करेगी एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी अ बिग बिग हिट। भारत के लोगों के साथ साथ वर्ल्ड के लोगों को भी देखना ज़रूरी है और विश्व में जितना इस फिल्म का प्रचार प्रसार हो तो भारत की पहचान होगी और भारत की पहचान विश्व में कराना है तो इस फिल्म को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं महाभारत से बहुत प्रभावित हूँ और विश्व में हमारी जो ताकत है वो इस फिल्म के माध्यम से भी, जैसे उन्होंने कहा कि साहब नेताओं से और अभिनेताओं से दूर रहना चाहिए, तो नेता और अभिनेताओं से दूर रहने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर उनसे दूर रहेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। आपको उनको करीब रखना है और उनसे सीखना है और उनकी चीज़ों को पब्लिक में बताना है इस फिल्म के माध्यम से कि नेताओं में बदलाव कैसे हो। फिल्म ही एक ऐसा साधन है कि ये है इंडिया, इस तरह के वातावरण से कुछ नेताओं में भी ऐसी चीज़ें आएँ जब हम रामलीला महाभारत इतने आदर्श जैसे सीनों को दिखा सकते हैं, इतनी आदर्श जैसी चीज़ों को दिखा सकते हैं, रामानंद सागर जैसी चीज़ों को दिखा सकते हैं, तो भारत में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है और भारत में बदलाव होगा ये भारत के लोग देखें नहीं विश्व के लोग देखें तब भारत में बदलाव होगा। आप भारत की शक्ति को कहाँ मानते हैं? भारत की जो शक्ति है, ब्लड प्रेशर से आप परिचित हैं जी, बिल्कुल, शुगर से आप परिचित हैं जी, शुगर आपका बढ़ेगा और बढ़ना ज़रूरी है क्योंकि शुगर को हिंदी में चीनी बोलते हैं, हमारे कैलाश मानसरोवर चीन में है तो हमें चीन से शुगर लेनी है और प्रेशर पाकिस्तान है और ब्लड हमारा बांग्लादेश है और तीनों चीज़ ये इंडिया में है तो इसलिए ये इंडिया को मजबूत बनाना है। सर जैसे ही मैंने जिस तरह की मार्केट में फिल्म चलती हैं अलग अलग टाइप की तो मुझे अपने देश के लिए कुछ करना था, मतलब लोग जब भी लोग होते हैं दो लोग चार लोग इंडिया में एक साथ होते हैं तो किसी की टांग खींचने की बात करते हैं, देश की बुराई की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अपने देश की प्राउडनेस अचीवमेंट की कोई बात नहीं करता सर। और इंडिया अपने आप इतना एक पावरफुल है, इसका यूथ इतना पावरफुल है, दुनिया के 48 कंट्री एक तरफ, इंडिया अपना अकेला एक तरफ, इतनी पावर है लेकिन सब एकजुट होते ही नहीं है सर। इसलिए मेरे को एक मैसेज देने का आया कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दें ताकि अपने इंडिया पे लोगों को अपने पर प्राउड फील हो, अपने इंडियंस होने पर प्राउड फील हो, इसलिए मुझे आइडिया आया। और लोग अपने बारे में तो सभी करते हैं लेकिन मुझे समाज और अपने देश के लिए कुछ करना था इसलिए मैंने ये इंडिया का सर शुरुआत की। ये है इंडिया एक सामाजिक पहलुओं को मद्देनज़र रखकर उन्हीं के ऊपर आधारित फिल्म है और जिसमें सभी कुछ है, देशभक्ति भी है, इंटरटेनमेंट भी है, गाने भी हैं, म्यूज़िक भी है, सारे पहलू हैं। मतलब ये कह सकता हूँ कि एक कंप्लीट फिल्म के रूप में यदि आप देख सकते हैं तो ये है इंडिया को ही देख सकते हैं। और बहुत बढ़िया अच्छी लोकेशनों पर इस फिल्म की शूटिंग हुई है, हम लोगों ने तो खैर पार्टिसिपेट किया है इसको, राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस पे इसकी शूटिंग हुई है और इसका म्यूज़िक जो है राजा हसन जी ने दिया है और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दिया है, एक वहाँ का राजस्थान का स्पेशल फोक म्यूज़िक जिसे कह सकते हैं उस वो दर्शकों को हमें देखने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि फिल्म का कंटेंट जो है वो किसी बड़े स्टार कास्ट से कम नहीं है। सर जैसा कि टाइटल है ये है इंडिया, भारत के बारे में फिल्म है, एक NRI लड़के की स्टोरी है मिकी जिसका किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, UK में पढ़ा लिखा है, वहीं पे इसका जन्म हुआ है लेकिन इसके बाप दादा जी वो भारत से हैं तो विदेशों में भारत की छवि कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोई भी मतलब यहाँ से जाता है बोलते हैं कि भाई वहाँ पे गंदगी बहुत है, गरीबों का देश है, भुखमरों का देश है,
तो लेकिन इसने जो किताबें पढ़ी हैं इस किरदार ने, तो वहाँ पे भारत की बहुत तारीफ़ है कि भारत तो इतना अमीर देश था, सोने की चिड़िया। तो इसके मन में हमेशा ये रहता है कि ऐसा क्या है आखिर कि लोग उसके बारे में बुरा क्यों बोलते हैं। तो वो वहाँ से एक उसकी शर्त भी लगती है जिसके साथ वो प्यार करता है, कैसे किन हालातों में वो एक बार भारत को समझना चाहता है कि भारत है क्या। तो उस लड़के की पूरी कहानी है, यूके से आके इंडिया में पूरे हर एक स्टेट में जाता है, क्या क्या उसके साथ वाक़यात होते हैं, धीरे धीरे कैसे सिस्टम के खिलाफ सिस्टम में पकड़ा जाता है, एक फिर उसको सुपर इंडियन का खिताब भी मिल जाता है, लोग सब उसको जैसे आजकल कोई चीज़ हो जाए तो व्हाट्सएप या जितना भी है वायरल हो जाती है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें, तो हमने उस चीज़ को भी दिखाया गया कि बिना वजह या किस चीज़ से एकदम से आप वायरल हो जाते हो। तो ये फिर उसको सभी बोलने लगते हैं कि यार ये ना तो इंडिया का है, यूके का लड़का है, लेकिन फिर भी इतना प्यार रखता है देश के प्रति ये वो, तो इसको एक सुपर इंडियन का नाम मिल जाता है। फिर पॉलिटिकल कैसे इन्वॉल्व होता है, तो ये सब पूरे सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम के बारे में, तो इन सब चीज़ों का मिश्रण है इस फिल्म में। मैं बिल्कुल सर, मैं वही इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि कभी भी हम घर पे आज बात करते हैं कि मुझे घूमने जाना है, कहते कहाँ भाई, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है, तब वो बोलता है कि यार तूने भारत कितना घूमा है। और वाकई अगर मैं आप सबसे भी पूछूं, ऑडियंस से पूछूं, सभी हैं कि अपने खुद भारत कितना घूमा है। मैंने खुद भी मतलब इतना नहीं था, तो मैंने वाकई सोचा यार कि हाँ हम अपने देश को कितना जाना है। बट ड्यूरिंग दिस फिल्म मुझे ये मेरा सौभाग्य था कि मैं हमने 7-8 अलग अलग स्टेट्स में शूट किया, वहाँ के कल्चर को मैंने समझा, कल्चर को जाना, वहाँ से वहाँ के लोगों को मिलना, तो वो एक लगाव जो मेरा था और बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि आप फिल्म देखने के बाद दर्शकों को अपने देश के प्रति और उनका प्यार और बढ़ जाएगा। तो इस देश का नागरिक होना कैसा लगता है? सही जवाब है, बस वैसे ही लगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या, आप मेरी फिल्में देखते नहीं, मैं क्या करूँ? आप सिर्फ जंक फूड खाते हो तो मैं क्या करूँ? न्यूट्रिशियस फूड भी खाना चाहिए ना कभी कभी। मैंने बहुत सारी फिल्में की है मराठी, आप देखते नहीं, तो मैं क्या हिंदी भारत की एक भाषा है, राष्ट्रभाषा है, इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाओं में फिल्में बनती हैं, वो अच्छी भी होती है, लेकिन आपको आदत हो गई सिर्फ हिंदी फिल्म देखने की। हाँ, कभी कभी देखिए अच्छी फिल्में जो बनती है दूसरी भाषाओं में, वो भी देखते जाइए, तब हमारे दर्शन आपको होंगे। नहीं है तो आप गूगल कीजिए मोहन आगाशे, सारी रिसेंट फिल्मोग्राफी मिलेगी आपको। हाँ, तो बहुत दिनों के बाद आपने देखा है तो मैं क्या करूँ साहब, ये तो मैंने भी आपको बहुत दिनों के बाद देखा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज ये मेरा बहुत पहला प्रोजेक्ट था। आई हैव बीन लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी 2015, उसके बाद आई हैव वर्क, बट ये मेरा बहुत पहला प्रोजेक्ट था इन बॉम्बे, सो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। ये देखो इनका पहला प्रोजेक्ट है और हम अभी बूढ़े हो गए। आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ मीडिया, जो आप लोग प्ले करते हो, आई एम प्लेइंग इट इन द फिल्म, सो या इट्स अ वेरी, जो आप वहां कर रहे हैं ना, मैं वो फिल्म में कर रही हूँ, सो इट्स बीन अ वेरी, नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है, आई एम शोइंग योर वॉइस इन द फिल्म, सो समथिंग वेरी सिमिलर व्हिच यू डू। आई एम प्लेइंग अ प्राइम मिनिस्टर यू वुड लाइक टू हैव। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मुझे मेरा कैरेक्टर अच्छा लगा, इसलिए मैंने मेरा कैरेक्टर प्ले किया। और कोई सवाल है ही नहीं ना? देखो हमने अभी सारा फिल्म के बारे में बोल दिया, तो आप फिल्म देखेंगे नहीं ना, तो नुकसान होगा हमारा बहुत। अरे अरे बोल, इतने सालों में देखा नहीं बोलते, अभी मुझे रोना आ गया, मुझे रोना आ गया मुझे। मैं बात हिंदी फिल्म की, माफ करना माफ करना, तो आप बोलिए ना लोगों को हिंदी फिल्म में लेने के लिए। नहीं नहीं बात करते, चलो बोल दो, मैं हिंदी फिल्म की बात करता हूँ।
is it done for me? देखो हिंदी फिल्मों में आपने मुझे देखा नहीं है, इसका सीधा सादा कारण ये है कि मुझे किसी ने पूछा नहीं है। और इसके ऊपर वो आया था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने मोहन आकाश को ढूंढने की बहुत बड़ी भूल की है, तो आप पढ़िए वो। और ऐसा है नहीं कि हम जाएंगे तो नहीं ना, हम पूछेंगे तभी बात करेंगे, तभी तो करेंगे, अगर नहीं पूछा तो कैसे करेंगे। जिन्होंने पूछा है, जिन्होंने अच्छी फिल्में बनाई वहाँ काम किया है। अभी सब तो टाइगर नहीं हो सकते ना, कैसे हो सकते, सारा सारा तू दूसरा एनिमल भी होना चाहिए ना। तो अब जब ऐसी फिल्म, आपको बोलना चाहिए ना, आपको दुख होता है कि नहीं होता कि देखा नहीं इतने साल में मुझे, हाँ तो मीडिया ने बोलना चाहिए ना ये कि ऐसा क्या है, ये कैसी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीन या चार बनाए हैं, मुझे नहीं पता अभी तक फिल्म में कितने हैं, मतलब पिक्चराइज्ड कितने हैं वो नहीं पता, बट सारे गाने जो हैं लोम हर्ष के साथ मिलके हम लोगों ने एक, लोम मेरा दोस्त है इस फ्रॉम जयपुर, तो ऐसे ही बैठे बैठे यार तू मेरे लिए म्यूज़िक बना दे, आई वाज लाइक मैं तो सिंगर आदमी हूँ, मैं म्यूज़िक कहाँ से बनाऊँ। तो दैट टाइम आई वाज डूइंग माय मूवी, मतलब मैं अपनी मूवी कर रहा था, राजस्थानी मूवी कर रहा था मरुधर मारो का, तो उसके गाने मैंने ऐसे ही सुना दिए थे, तो उसने बोला नहीं नहीं यार यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, सो आई वाज लाइक चलो ठीक है मैं कोशिश कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं बॉलीवुड टाइप बना सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने कोशिश की, और कोशिश करने के बाद वो थोड़ी बहुत हमारे कानों तक के लिए तो कामयाब है। अब ऑडियंस के कानों में कामयाब होगी या नहीं होगी वो तो ऑडियंस बेहतर जानती है, क्योंकि जनता जनार्दन वही फैसला करेगी सुन के कि उनको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सी इसमें फोक है, क्लब सॉन्ग भी है, और लव सॉन्ग भी है, देन साइमल्टेनियसली एक साइयां करके गाना है जो बहुत ही सूफीज़म टाइप का है, वो बहुत खूबसूरत जावेद भाई ने गाया है, जावेद अली, तो वो गाना अच्छा है मौजूद। हाँ मैंने भी थोड़ा बहुत गुनगुनाया है, मेरा म्यूज़िक है तो मैंने एक ढोला करके एक फोक गाना है विच रिटन बाय माय फादर रफीक सागर साहब, तो उन्होंने लिखा था, तो मैंने कहा पापा मैं इसको कंपोज करना चाहता हूँ, एंड देन आई कंपोज दैट सॉन्ग इन राजस्थानी स्टाइल है। करी बात अधूरी पड़ी से जिया सुनी ओ सुद बुदले वण ने ओ ढोला दूर न जा। सो वो तो आप सुनेंगे जब म्यूज़िक के साथ सुनेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि आप सबको पसंद आए। और साइयां साइयां जावेद भाई ने बहुत अच्छा गाया है, एक गाना नेहा का करने गाया है, नेहा और शान दादा ने, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया मुझे, क्योंकि मैं पहली बार म्यूज़िक कर रहा था, आई वॉज़न्ट अवेयर विद यू नो इस इन सब चीज़ों से मैं अवेयर ही नहीं था कि किसी को गाना गवाना है। मैं अपने म्यूज़िक के टाइम पे जब बना रहा था तो मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट वंस यू आर वर्किंग फॉर अदर पर्सन, किसी और के लिए जब आप काम करते तो आप पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उन जिम्मेदारियों में मेरा साथ दिया जितने भी सिंगर्स हैं जिसने गाना गाया, और मेरे जो प्रोग्रामर्स हैं जो मेरे अरेंजर हैं उन लोगों ने मेरा साथ दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और नाउ देखते हैं पसंद आए, बस ऊपर वाले से यही उम्मीद है कि आप लोगों के कानों को अच्छा लगे, है ना। धन्यवाद साहब।